ये था कल मोनो डेंटेट लाइगेंस। तो मोनो डेंटेट का मतलब होता है जिसमें वन डोनर एटम होता है। तो वन डोनर एटम कौन से हो जाएंगे जिसमें एक साइड डोनेट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए था H2O था, H2O है जो आपका, इसमें लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसका नाम है एक्वा और चार्ज है जीरो यानी न्यूट्रल है। ऐसे NH3 है, एमाइन कहते हैं इसको, इसमें चार्ज जीरो। CN- है साइनो, इसमें चार्ज होता है -1। हेलाइड है, हेलाइडो कहते हैं इसको, जैसे क्लोरीडो, फ्लोरीडो, ब्रोमीडो, आइडो, या फिर इसको कह सकते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसका होता है -1। एच अगर माइनस में आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो लिगेंड्स माइनस में ही होगा, तो हाइड्रिडो या हाइड्रो। ओ एच माइनस के लिए आ गया तो हाइड्रोक्सो, ये होता है -1 -1 -1 -1। एन ओ टू माइनस हो गया तो नाइट्रो, एन ओ थ्री माइनस में हो गया तो नाइट्रेट। तो इस तरीके से इसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि नॉमन क्लेचर में काम आएगा अभी आपके पास। तो इसके चार से इसको लर्न करना है। इसके अलावा इसमें आता है आपके पास NH2-, ये है NH2- हो गया तो एमिडो, -1 चार्ज, और NH2- इमिडो, इसमें 2- चार्ज। सिंपल नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रिडो, -3 चार्ज। अगर SO4 लिगेंड्स में आ गया तो सल्फेट, O2- में आ गया तो ऑक्सो, O2 2- में आ गया तो परॉक्सो, इसका ये चार्ज होगा। और अगर ये सल्फाइड आ गया तो सल्फिडो, एसीटेट आ गया तो एसीटेटो। इसको कई बार AC भी लिखा जाता है, तो AC लिख दिया, AC का मतलब वो एसीटेट है, ध्यान रखना। अगर कई बार इसमें AC लिख देगा, AC का होल ट्वाइस, AC लिखेगा, इसका मतलब हो गया वो एसीटेट वाला ग्रुप माना जाएगा। इसके अलावा CO हो गया तो कार्बोनाइल, CO होता है यहाँ पे कार्बोनाइल, और NO हो गया यहाँ पे नाइट्रोसाइल। तो इसका ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। पायरिडीन होता है, अगर ये ग्रुप में आ गया, इसको कहते हैं PY, पायरिडीन के लिए PY। ये सब न्यूट्रल में काउंट होंगे। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे नॉमन क्लेचर आएगा तो उसमें कंपाउंड आते ही आते हैं, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद होता है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट या डाइडेंटेट किसे बोलते हैं, जिसमें जिसमें दो डोनर एटम होते हैं। बाई का मतलब हो गया टू, यानी जहां पे दो डोनर एटम होंगे उसे कहते हैं बाइडेंटेट। तो दो डोनर एटम कैसे, जैसे ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो जो होता है ये होता है COO- और COO-, यहाँ पे ये इससे डोनेट कर सकता है, यहाँ पे इससे डोनेट कर सकता है। तो टू डोनर एटम होते हैं और ये ऑक्सीजन एटम डोनेट करता है, ठीक है। तो इसका चार्ज कितना होगा, ये -1 और ये -1, तो ओवरऑल इसमें 2- चार्ज हो जाता है। तो ऑक्सीलेटो का चार्ज हो जाएगा 2- का, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा ऑक्सीलेटो के लिए। ऑक्सीलेटो के बाद आता है आपके पास ये EN, EN भी बहुत बार आया है आपके बुक में। तो जो EN होता है, इसका नाम है EN, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसे कॉमन नेम होता है इसका इथाइलिन डाइएमाइन, ये कॉमन नेम है, इथाइलिन डाइएमाइन इज कॉमन नेम। EN का कॉमन नेम क्या है, इथाइलीन डाइएमाइन, इथाइलीन डाइएमाइन, इथाइलीन डाइएमाइन इज कॉमन नेम। और इसका IUPAC नेम क्या है, इथेन-1,2-डाइएमाइन। IUPAC नेम क्या है इसका, इथेन, इथेन-1,2-डाइएमाइन। ये है इथेन का मतलब दो कार्बन हो गए, एमाइन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, एमाइन ग्रुप। और नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इसे कहते हैं
इथेन 1-2 का मतलब वन और सेकेंड में एमाइन ग्रुप है, तो इथेन 1-2-डाई-एमाइन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो कौन करेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे डोनेट करते हैं। यहाँ पे जो डोनर एटम होता है वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये दो ही आपके पास बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वन और टू। ई एन है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में ई एन लिखा होगा, ठीक। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ऐसे हमने जो कल किया था वो था ट्राइडेंटेट, इसमें ऐसे लिखा होता कई बार एसी एसी लिखा होता है, ये एसी एसी होता है। एसी का मतलब दो एसिटेट ग्रुप यहाँ पे होंगे, एसी एसी, ठीक है। तो एसी एसी में आपको देखना पड़ेगा एसिटेट ग्रुप और ये एसिटेट ग्रुप। एक एसिटेट ग्रुप यहाँ है तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से डोनेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके बाद पॉलीडेंटेट, मेन इसमें पॉली आ जाता है। पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन टू डोनर एटम्स, तो उसको पॉली कह देते हैं, पॉलीडेंटेट। इसमें अब कई नाम आते हैं, जैसे कि अगर ट्राइडेंटेट होगा तो ट्राइडेंटेट का मतलब तीन डोनर एटम है, टेट्राडेंटेट होगा तो फोर है, जैसे ये वाला है तो आपको ये लिखा है डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन। ट्राई एमाइन का मतलब जिसमें तीन एमाइन ग्रुप होंगे, तो इसमें तीन एमाइन ग्रुप होगा तो एक डोनर एटम ये हो गया, दूसरा डोनर एटम ये हो गया, तीसरा डोनर एटम ये हो गया, तो इसे कहेंगे ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट, ट्राई का मतलब थ्री और डेंटेट का मतलब डोनर एटम, तो ट्राइडेंटेट इसका नाम हो जाएगा। तो ट्राइडेंटेट में एग्जाम्पल आ जाएगा, ट्राइडेंटेट का मतलब जिसमें तीन डोनर एटम होते हैं, तो ये ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल हो गया। जैसे ये है, ये कितने डेंटेट का कैसे पता चलेगा हमें, कितने डोनर एटम है, जैसे एक डोनर एटम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो यहाँ पे भी ये ट्राइडेंटेट में होगा, तो ये वाला है ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट तो देखना पड़ेगा हमें कि माइनस चार्ज हो या लोन पेयर हो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो माइनस चार्ज या डोनेशन वाला अगर कोई भी होता है तो डोनेट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले में टेट्राडेंटेट है तो इसका मतलब उसमें चार डोनेट एटम, अगर फोर डोनर एटम होंगे तो उसे कहेंगे टेट्रा डोनेट, टेट्राडेंटेट। टेट्रा, टेट्रा मतलब फोर, डेंटेट का मतलब जिसमें डोनर एटम है, यानी अगर फोर डोनर एटम होंगे तो उसे कहेंगे टेट्रा डेंटेट। अब इसका पता कैसे चलेगा, NH2 ग्रुप है तो इसके पास लोन पेयर होगा, 1, 2, 3 एंड 4 डोनर एटम है, कार्बन में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये डोनर एटम नहीं है, इसमें चार डोनर एटम है तो इसे कहेंगे टेट्रा डेंटेट। इसका वैसे क्या नाम हो जाएगा, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमाइन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमाइन। तो इस तरीके से आपको डिसाइड कर सकते हैं। इसमें बहुत बार आता है हेक्सा एमाइन आता है, इसमें हेक्सा एमाइन, ठीक है। तो हेक्सा एमाइन में क्या होगा, देखो हेक्सा का मतलब होता है सिक्स, ठीक है, हेक्सा का मतलब सिक्स, तो ये हो गया इथाइलिन डाई एमाइन ट्राई एसिटेट। ट्राई का मतलब तीन, एसिटेट का मतलब तीन एसिटेट ग्रुप है, वैसे तीन वाला गलत लिखा है, ये होता है आपका टेट्रा एसिटेट, ये होता है आपका टेट्रा एसिटेट, टेट्रा एसिटेट। अगर टेट्रा एसिट तीन होंगे, देखो अब इसमें पता कैसे चलेगा डोनर एटम कितने, एक नाइट्रोजन है ये, दूसरा नाइट्रोजन के पास है, तीसरा इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, चौथा इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, और पांचवा इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसे कहेंगे पेंटा डेंटेट। लेकिन ये वाला आपकी बुक में है नहीं, एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में ये वाला सिक्स ग्रुप है जिसमें, यानी ये एसिटेट ग्रुप यहाँ पे माना जाएगा, तो यहाँ पे आपका हेक्सा डेंटेट कर देना इसको, यहाँ पे CH3 और ये C(OO-), इसको ये कर देना, तो ये हेक्सा डेंटेट होता है, इसको कहते हैं EDTA, EDTA, ये नीचे दिखाया हुआ है इन्होंने, EDTA यानी इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेट। इसका नाम क्या है, ई से हो जाएगा इथाइलिन, ई से इथाइलिन, और
इथाइलिन के बाद डी से डाई एमाइन, तो इथाइलिन डाई एमाइन, डाई एमाइन, इथाइलिन डाई एमाइन। फिर टी से टेट्रा और ए से एसीटेट, इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट। तो ये आपका हो जाएगा इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। तो इसमें चार कितने ग्रुप हैं, सिक्स डोनेटर डोनेट है, तो इसे कहेंगे हेक्सा डेंटेट, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा, हेक्सा मतलब सिक्स और डेंटेट, हेक्सा डेंटेट यानी जिसमें सिक्स डोनर एटम होते हैं। कुल मिला के डोनर एटम से आप बता दोगे कि ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, लेकिन इसमें मेन चीज क्या है कि दो से ज्यादा हो गए तो हम जनरल पॉलीवर्ड भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। यस सर। अब इसके बाद आता है आपके पास एम्बीडेंटेट किसे कहते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बीडेंट, ये नॉमन क्लेचर में भी आएगा, तो इसके बड़े वो हैं, अलग नॉमन क्लेचर होता है। ये होता है कि जो लिगेंड्स क्या होते हैं, द लिगेंड्स विच हैव टू डोनर साइड्स, एक्चुअल में इसको हम साइड कह सकते हैं, डोनर एटम भी कह सकते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट, होते ये मोनोडेंटेट है, यानी एक बार में एक ही एटम डोनेट करेगा, तो इसको हम लिगेंड्स की जगह पे हम कह सकते हैं द मोनोडेंटेट लिगेंड्स, होते कैसे हैं ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, लेकिन इसके दो डोनर साइट्स होते हैं, टू डोनर साइट, विच हैव टू डोनर साइट्स, ठीक है। अब जैसे सी एन है आपका, सी एन, तो सी और एन यहाँ पे क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये दोनों में से कहीं से भी कार्बन भी और नाइट्रोजन भी, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो अगर कार्बन देता है तो इसका नाम हो जाता है साइनो, और अगर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो इसे कहते हैं आइसोसाइनो, या फिर हम इसे कह सकते हैं साइनो एन, साइनो एन, एन का मतलब एन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, और इसे कहेंगे साइनो सी, सी का मतलब ये हुआ कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसके ऐसे नोमेनक्लेचर में आ जाता है। तो जैसे ही आपको जो दिखेगा, अगर सी दिख रहा है तो आप समझ जाओगे कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है मेटल को, और अगर एन लिखा होगा उसके आगे तो उसे कहेंगे नाइट्रोजन ने इसके आगे मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ, और एम का मतलब हो गया मेटल, ठीक है, तो मेटल को अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसे कहते हैं आइसोसाइनो या साइनो एन, और अगर साइनाइड में से सी ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उसे कहेंगे साइनो या साइनो सी, इसे लिख लो आप, पहले इसकी डिफाइन लिख लो। सर उसके पास टू डोनर होते हैं, बट एक ही डोनर क्या बोलते हैं डोनेट करता है हाँ, एक। इसके पास होता है ये यूनिडेंटेट, है ये एक बार में एक एक ही डोनेट करेगा, लेकिन इसमें दो डोनर साइट्स होते हैं, टू डोनर साइट्स या टू डोनर एटम्स होते, दो डोनर एटम या दो डोनर साइट्स हैं, लेकिन एक टाइम में ये एक ही डोनेट करेगा, तो इसे कहते हैं यूनिडेंटेट। ये किस कैटेगरी में आता है, यूनिडेंटेट।
यस सर, डन। अब ये एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी मेन है। इसमें आएगा डिफाइन एम्बिडेंटेट विद एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में ये हो गया, सेकंड होता है इसका है साइनो थायोसाइनेट, या एस से दे रहा है ये। और एक होता है आइसो थायोसाइनेट, कई बार इसका नाम भी यही लिखते हैं, इसका नाम भी यही होगा, थायो थायो साइनेटो, थायो साइनेटो। लेकिन इसके आगे क्या लिखा होगा, एन। अगर ये आइसो थायो साइनेटो लिखा हुआ है तो इसके आगे क्या लिखा होगा, इसके आगे लिखा होगा क्या, एन। तो एन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया वो नाइट्रोजन ने किया, तो आप ऐसे दिखाओगे, नाइट्रोजन पहले आ जाएगा, इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। और यहाँ पे सल्फर पहले है, इसका मतलब यहाँ पे सल्फर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसे थायोसाइनेटो कहते हैं, या थायोसाइनेटो एस भी बोला जाता है। एस का मतलब एस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और एन का मतलब एन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो या तो फिर क्या लिखा होगा, या लिखा होगा थायोसाइनेटो एन, और या फिर लिखा होगा आइसो थायोसाइनेटो। इन दोनों में से कोई भी एक लिखा होगा तो उसका मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। ऐसे ही तीसरा होता है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप का मतलब नाइट्रो एन है, एन का मतलब यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और ये होता है नाइट्रीटो, या फिर इसी को कहेंगे नाइट्रो ओ। जैसे यहाँ पे ओ लिखा होगा आप समझ जाओगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया, तो अगर ऑक्सीजन ने किया है तो इसे कहेंगे हम ओ, और अगर नाइट्रोजन ने किया है तो इसे कहेंगे एन, ठीक है। तो एन और ओ, तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं। लिखा है देखो लास्ट में लिखा हुआ ये, कि जो एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, यानी एक टाइम में ये एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। लेकिन इसमें दो डोनर साइट होते हैं, तो कहीं से भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखना है, नेमिंग में अलग अलग होगा। दो तरीके से नाम लिखा होता है इसका, या तो उसका ओरिजिनल नेम होगा और उसके आगे डैश करके जो एटम डोनेट कर रहा है उसको लिखा होगा, या फिर उसको एक अलग नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। दो तरीके से इसको हम शो कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है एम्बिडेंट लाइगेंड्स। इसे लिख लो एग्जाम्पल से। यस सर, डन। अब देखो इसके बाद आता है चिलेटिंग लिगेंड्स, किसे कहते हैं, चिलेट वर्ड आता है, चिलेट। चिलेट का मतलब होता है जो रिंग फॉर्मेशन करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो चिलेटिंग लिगेंड किसे बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, व्हेन बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं साइमल्टेनियसली टू सेंट्रल मेटल एटम। किसे डोनेट करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, किसको, सेंट्रल मेटल एटम। और इसकी वजह से क्या बना देते हैं ये,
रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते, इसी को कहते हैं हम चिलेटिंग लिगेट्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं चिलेशन। अगर क्वेश्चन आता है चिलेशन क्या हो गया, तो इसका मतलब भी यही होता है कि रिंग फॉर्मेशन करना। जैसे लिगेंड्स क्या करेगा, सेंट्रल मेटल से कंबाइंड होके रिंग फॉर्मेशन कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं चिलेशन। इस प्रोसेस का नाम है चिलेशन। तो नाम अलग अलग होंगे लेकिन डिफाइन एक जैसी होती है, बस लास्ट में लिख सकते हैं हम लोग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। तो अगर डिफाइन चिलेशन, तो इसमें क्या होगा कि जो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को साइमल्टेनियसली टू सेंट्रल मेटल एटम, तो दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। ठीक है, तो ये चिलेशन का मतलब सिर्फ यही होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये रिंग जैसा बन जाएगा। अब रिंग जैसा कैसे बनेगा, देखो ये कैसा डेंटेट होता है, ये होता है बाइडेंटेट, ये भी कैसा है बाइडेंटेट। अब बाइडेंटेट में इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट किया, ये वाला जो लोन पेयर है इसने इसको डोनेट किया, इसने इससे किया, इसने इसने किया, तो कैसा दिख रहा है आपको, लिंक रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें रिंग बन गया, देखो ये एक रिंग ये वाली बन गई और दूसरी रिंग ये वाली बन गई, तो इसमें रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं चिलेटिंग। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो जो रिंग बना रहा है और जो रिंग नहीं बना रहा है, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो रिंग बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी हाई मानी जाती है एज कंपेयर टू अदर वन। ठीक है, तो ये आपका हो गया चिलेटिंग यानी रिंग टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो मोनोडेंटेट होता है वो कभी भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, यानी चिलेट नहीं बना सकता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, नंबर ऑफ डोनर एटम्स जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी, किसमें, चिलेटिंग लिगेंड्स में। इसका मतलब जो ईडीटीए है उस वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा, किसके कंपैरिजन में, इथाइलिन के कंपैरिजन में, या जनरली 5 और 6 मेंबर जो रिंग होती है वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी औरों के कंपैरिजन में। जैसे ये है, ये कितने है यहाँ पे, कितने, ये है आपका डाइथाइलिन, यानी ये दो ही यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, जो दो डोनेट कर रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे कम मानी जाएगी, किसके कंपैरिजन में, 3 के, तो 2 वाले की स्टेबिलिटी कम होगी, 3 वाले की ज्यादा हो जाएगी, 4 वाले की और ज्यादा हो जाएगी, 5 की, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, 6 वाला। तो जनरली कई बार 5 और 6 में ही कॉम्पिटिशन होता है, 6 वाले को ज्यादा मानते हैं, लेकिन कई बार 5 और 6 में से कुछ थोड़ा एक्सेप्शनल केस की वजह से चेंज हो जाता है, पर आपके पास क्या आएगा केवल कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो आपने देखना है कितना डोनेट वाला एटम्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर 2 और 3 है तो 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, रीजन क्या है कि जो चिलेटिंग है उसमें जो रिंग स्ट्रक्चर है वो 3 का ज्यादा होगा, बड़ा है, ऐसी 4 का तो ज्यादा एटम्स उसको डोनेट कर रहे हैं, 5 में और ज्यादा कर रहे हैं, 6 में सबसे ज्यादा कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 5 और 6 ही होता है। ठीक है, तो ये आपका चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में हो गया। चिलेटिंग का मतलब क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक रिंग टाइप की बन गई, इसमें दो रिंग बन गई, एक रिंग कौन सी, ये वाली, दूसरी रिंग कौन सी, ये वाली, तो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गया, इसी को हम क्या देते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स बोल देते हैं। चिलेट का मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो सिंपल डिफाइन क्या होगी कि जब व्हेन टू यानी डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड डोनेट करेंगे किसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे मेन यही है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं साइमल्टेनियसली टू सेंट्रल मेटल एटम और दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अगर वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके के कंपाउंड को हम कहते हैं चिलेटिंग, इस लिगेंड को कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, इस प्रोसेस को कहते हैं चिलेशन। ठीक है, और कंपाउंड को कहेंगे चिलेटिंग कंपाउंड। ठीक है, और इसका मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसमें मोनोडेंटेट कभी नहीं बना सकते हैं, और जितना नंबर ऑफ डोनर एटम बढ़ता जाएगा उतना उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ईडीटीए क्या होता है, ईडीटीए होता है हेक्सा डोनेट, हेक्सा डेंटेट लिगेंड्स होता है, हेक्सा,
तो जो हेक्सा वाले होते हैं उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका रिंग स्ट्रक्चर सबसे बड़ा बनेगा, सिक्स वाला। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी को। तो जनरली ये दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा इसमें, या फिर डिफाइन पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड्स या चिलेशन। ठीक है, ऐसे लिख लो। सही, 3 पॉइंट्स लिख लूँ इनके साथ। हाँ, इस तीनों पॉइंट को लिख लो। पहला कि जो मोनोडेंटेट होता है वो कभी भी चिलेटिंग स्ट्रक्चर या रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना पाता। सेकंड है, जितने नंबर ऑफ डोनर एटम बढ़ेंगे उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगी चिलेटिंग लिगेंड्स की। और तीसरा इसमें आता है ईडीटीए, क्योंकि ईडीटीए कैसा होता है, हेक्सा डेंटेट होता है, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मानी जाएगी औरों के कंपेरिजन। लिख लिया? सर 1 मिनट, लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ। यस सर, डन। अब नेक्स्ट इसमें आता है फ्लेक्स, फ्लेक्सी डेंटेट। ये जनरली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। फ्लेक्सी डेंटेट का मतलब होता है विच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी, जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे मोनोडेंटेट है, SO4 देखो मोनोडेंटेट है, और SO4 यहाँ पे क्या है, बाइडेंटेट। इस पे डिपेंड करेगा कि कितने एटम उसके डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल है ये, किसी से भी डोनेशन कर सकता है पहली चीज, और दूसरा कितने भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो डोनर एटम है, एक ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि हो सकता है यहाँ पे एक ही डोनेट कर रहा होगा, जब एक ही डोनेट करेगा तो उसे कहेंगे आप मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट अगर एक ही डोनेट कर रहा है, और अगर ये दोनों के दोनों डोनेट कर रहे हैं, जैसे इस कंडीशन में दोनों के दोनों डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसका काम करेगा, बाइडेंटेट का। तो ये क्वेश्चन में होता है अलग अलग तरीके से कि
ये मोनो की तरह काम कर रहा है या डाई की तरह काम कर रहा है। तो ये फ्लेक्सिबल है, वन भी कर सकता है टू भी कर सकता है, जहां पे थ्री होगा तो थ्री भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी जितनी ज्यादा है वो कोई भी डोनेशन कर सकता है, तो इसे कहते हैं फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड्स। यहाँ पे एक ही एटम डोनेट करेगा तो उसे कहेंगे मोनोडेंटेट, दोनों करेंगे तो डाई डेंटेट। ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल है किसका, CO3 2- का। अब यहाँ पे ये वाला करेगा एक तो उसे कहेंगे मोनोडेंटेट, अगर दोनों के दोनों करेंगे तो डाई डेंटेट। तो जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है उसे कहते हैं फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड्स। यहाँ पे है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये मोनो भी हो सकता है और डाई भी हो सकता है। ऐसे ये वाला फ्लेक्सिबल है, यहाँ से भी डोनेशन हो सकता है, यहाँ से भी डोनेशन हो सकता है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं, उसे कहते हैं फ्लेक्सी डेंटेट। जो लास्ट वाले में वो उसमें क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो अब की बार ये डोनेट कर रहा था, अब रेजोनेंस हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो पहले आपने देखा कि वन कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वन ही करेगा, हो सकता है यहाँ पे ये रेजोनेंस कर दे और यहाँ पे नेगेटिव आ जाए ये। तो इस केस में टू वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं उसे कहते हैं फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड्स, जो अपने डेंटिसिटी को चेंज कर दे, अपने डोनर एटम को एक्सचेंज कर दे, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो इस तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं उसे कहते हैं फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड्स, इसे लिख लो। सर एक बारी एग्जाम्पल के साथ समझा दो वापस से। देखो फ्लेक्सी डेंटेट का मतलब ये हो गया कि जिसमें डेंटिसिटी क्या होती है, जिसकी चेंज हो सकती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ये है, देखो CONH3 का 5 है, तो ये 5 पहले ही है, तो यहाँ पे 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 5 ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, इसका SO4 कैसे होता है, देखो SO4 होता है 2- का, तो ये एस का डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, दो तो चले गए, अब 2- है तो एक ऑक्सीजन इसमें माइनस, एक ऑक्सीजन इसके पास माइनस। अब क्या होगा, ये अगर ये मोनोडेंटेट की तरह काम करता है तो इसमें क्या होगा, जो ये एक ऑक्सीजन है केवल यही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बस। जैसे पहले वाले में 5 लोग तो किसके हो गए, NH3 के हो गए, तो अब ये दो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 6 है बस, 6 से ज्यादा नहीं होंगे, 7-8 होगा तो गलत है। इसका मतलब यहाँ पे जो SO4 है उसका केवल एक ही एटम यहाँ पे डोनेट कर रहा है, दो नहीं कर रहे यहाँ पे डोनेट, एक ही कर रहा है क्योंकि टोटल 6 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम SO4 को क्या मानेंगे, मोनोडेंटेट, यानी कि एक ही ऑक्सीजन यहाँ पे डोनर एटम का काम करेगा, दूसरा नहीं कर रहा है क्योंकि एक की जरूरत है हमें बस, दो की तो है ही नहीं, तो इसे कहेंगे मोनोडेंटेट। तो SO4 यहाँ पे किसका काम करेगा, मोनोडेंटेट का। सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में क्या होता है, EN है जो आपका, ये EN अभी हमने कहा था, EN क्या होता है, बाइडेंटेट होता है, ये दो डोनेट करेगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, तो EN कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि तो दो EN है तो दो में कितना हो जाएंगे, 4 डोनर एटम हो जाएगा। और मैंने कहा है मैक्सिमम 6 होता है, 5 वाला हमारे पास कम है, या तो फिर 4 है या फिर 6 है। तो जब ये 4 यहाँ पे चले गए तो अब दो की रिक्वायरमेंट है, या तो 0 होगा या 2 होगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए जो SO4 होगा यहाँ पे किसका काम करेगा,
बाइडेंटेट का काम करेगा, यानी जो SO4 के दो ऑक्सीजन है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों डोनेट करेंगे तो इसे कहते हैं बाइडेंटेट। तो SO4 दोनों की तरह काम कर रहा है तो इसको कहते हैं बाइडेंटेट। तो ये फ्लेक्सिबल हो गया, किसी समय क्या कर रहा है मोनोडेंटेट का काम कर रहा है, किसी समय क्या कर रहा है बाइडेंटेट का काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो इसकी जरूरत है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड करेगा। अगर उसे एक की जरूरत है तो एक को ही एक्सेप्ट करेगा, अगर उसे दो की जरूरत है तो दो को एक्सेप्ट कर लेगा। लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही करेगा, लेकिन अगर मेटल के पास जगह ही नहीं खाली है, वो एक्सेप्टिंग पावर उसकी कम है, तो उसी हिसाब से क्या करता है लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब समझ में आया? तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट थी जी पहले वाले केस में, इसीलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो इसे कहते हैं मोनोडेंटेट। दूसरे केस में इसको दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ज्यादातर ध्यान रखना है या तो 4 होगा और या 6 होगा बस, और ज्यादातर 6 वाले कंपाउंड आपके पास ज्यादा मिलेंगे आपको। तो 4 और 6 के अलावा 5, 3 ये बहुत कम होते हैं आपके। इस पूरी जो बुक है इसमें 5 और 3 या 7 तो नहीं मिलेगा आपको, 7 का तो एक भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बेस पे आपको ध्यान रखना है कि कौन कितना डोनेट कर सकता है, ठीक है। ओके सर। तो इसे लिख लो आप एग्जाम्पल को। इसके बाद रिज्वाइन कर लेना फिर से, क्योंकि शायद ये खत्म ना हो जाए अभी, ठीक है। लिख लिया आपने? सर 1 मिनट। यस सर डन। ओके, तो रिज्वाइन कर लो।